कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट सामने आ रहे हैं। हालांकि इस बार जो सब वेरिएंट म्यूटेट हुआ है वो बहुत ही खतरनाक और जानलेवा है। अमेरिका, चीन और ब्रिटेन सहित कई देशों में लोग इस नए सब वेरिएंट की चपेट में आने शुरू हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि भारत में भी एक मामला सामने आ चुका है। ऐसे में लोगों के भीतर एक बार फिर कोरोना को लेकर डर बैठ गया है। हालांकि एक्सपर्ट ने सलाह दी कि अगर सावधानी बरती जाए तो इसे फैलने से रोका जा सकता है। विशेषज्ञों ने बताया कि जब तक लोगों में JN.1 वेरिएंट के प्रति इम्यून सिस्टम नहीं तैयार होता है तब तक कोरोना के मामलों में बढ़ने की आशंका है। JN.1 के फैलने की स्पीड को लेकर अभी कोई खास जानकारी नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि JN.1 की चपेट में युवाओं के आने के चांस बहुत कम है, लेकिन बुजुर्गों को सावधानी बरतनी चाहिए और रोकथाम के उपायों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। बता दें कि केरल में एक महिला में JN.1 सब वेरिएंट का पता चला है, जिससे चिंता बढ़ गई है और वायरल बीमारी के खिलाफ लड़ाई में चल रही सतर्कता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। हालांकि सबसे पहला मामला लग्जमबर्ग में पाया गया था। JN.1 के पास स्पाइक म्यूटेशन है जो कि इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में कोची विंग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने बताया कि कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होना अपेक्षित था, क्योंकि आखिरी स्पाइक को करीब 7 महीने हो चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं COVID-19 एक चक्रीय बीमारी है, ये वापस आती ही रहेगी। ये इस साल अप्रैल में था जब हमने आखिरी बार स्पाइक देखा था, जो XBB सबलाइनेंस के कारण हुआ था। फिलहाल आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।